नमस्कार दोस्तों, सियोर शॉर्ट सीरीज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है, जिसमें हम बीसीडब्ल्यू के जो हमारी करंट अफेयर्स मैगजीन आई है उसके डिफरेंट पोर्शंस के न्यूज सेक्शन का एनालिसिस करते हैं। और इसमें आज के अगर वीडियो की बात करें तो अगर आप मैगजीन खोलकर देखेंगे तो पेज नंबर 44 और 45 को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें आप पाएंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स। दोस्तों, ये जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है इसका हमारा मेन मोटो यही है कि ये मैगजीन हमारी अभी कुछ रिमोट एरियाज में अभी तक ठीक से पहुंच नहीं पाई है और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स का कंसर्न था। तो आप सब निश्चिंत रहिए बिल्कुल, और ये हमारे सीरीज ही इसीलिए लाया गया है और इसमें हम पूरी की पूरी मैगजीन हम अपनी इसमें कवर करने वाले हैं और पूरा होलिस्टिक एनालिसिस होगा इसमें। आप बिल्कुल ये निश्चिंत रहिए, आपका कोई न्यूज नहीं छूटेगा और उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो पहला अवार्ड है वो है साहित्य अकादमी अवार्ड। और साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करें तो ये कितने, ये दिया जाता है 23 इंडियन लैंग्वेजेस में। कौन देते हैं ये देती है साहित्य अकादमी। और अगर साहित्य अकादमी के अभी हेड की बात करें, मतलब जो प्रेसिडेंट है उनके, उनका नाम क्या है? चंद्रशेखर कंबार। ठीक है, चलिए अब हिंदी के लिए देखें तो ये दिया गया है बद्री नारायण को। और उनकी रचना कौन सी थी? तुमड़ी के शब्द। और बद्री नारायण कौन है? तो बद्री नारायण ये हैं कि अभी ये गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में सामाजिक इतिहास और सांस्कृतिक मानव विज्ञान के प्रोफेसर और निर्देशक दोनों। ठीक है, और इनकी और अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी एक बहुत मशहूर रचना हुई है सच सुने कई दिन हुए। एक इनकी बहुत मशहूर रचना रही सच सुने कई दिन हुए। एक इनकी बहुत और मशहूर रचना है शब्द पदीयम। एक और इनकी बहुत मशहूर रचना थी खुदाई में हिंसा। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा सम्मानित भी किए गए हैं। तो इनकी जो कुछ प्रमुख, इनको जो मिलने वाले पुरस्कार हैं उनको भी देखते हुए चलते हैं। तो इनकी एक, इनको एक पुरस्कार मिला था भारत भूषण पुरस्कार। एक और इनको पुरस्कार मिल चुका है राष्ट्र कवि दिनकर पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगर इंग्लिश के बात करें, इंग्लिश में, तो इंग्लिश में मिला है अनुराधा रॉय को। और उनकी जो नोवेल है जिसके लिए उन्हें अवार्ड मिला है वो है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। और थोड़ा अनुराधा जी की बात करें तो ये उनकी फोर्थ नोवेल है। ठीक है, और इसी नोवेल के लिए उन्हें पहले भी टाटा बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिल चुका है। कब? 2018 के लिए। और इनको साहित्य के क्षेत्र में अपनी सेवा देने के लिए नीली मरानी साहित्य सम्मान, ये भी इनको पहले मिल चुका है। ठीक है, और इनकी और मशहूर नॉवेल्स की बात करें तो एक इनकी बहुत मशहूर रचना रही है एन एटलस ऑफ इम्पॉसिबल लॉन्गिंग। ठीक है, और ये इतनी मशहूर रही है कि ये 15+ लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट हुई है। आप अंदाजा लगाइए इसी से कि ये कितनी मशहूर रही है। ठीक है,
एक और इनकी जो बहुत मशहूर रचना रही है वो है स्लीपिंग ऑन जुपिटर। और स्लीपिंग ऑन जुपिटर की बात करें तो इनके लिए इनको मान बुकर 2015 का नॉमिनेशन मिला था। ठीक है, अब अगली तरफ अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं। ये है 32nd बिहारी पुरस्कार, ये किसको मिला है? माधव हाटा जी को। अगर उनकी रचना की बात करें तो ये है पचरंग चोला पहर सखीरे। और कमाल की बात देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ही इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आ गया है, और वो बुक का नाम है, यहां लिखते हैं, मीरा वर्सेस मीरा। ये इनकी पचरंग चोला पहर सखीरे का ही अनुवाद है, और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने मीराबाई के संघर्ष और उनकी जो उनकी रचनाएं रही हैं उनके बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से चर्चा की। और इनके लिखने की शैली, जो इनके राइटिंग स्टाइल है उसकी बात करें तो वो है आलोचनात्मक। ठीक है, और अगर बिहारी पुरस्कार की बात करें तो ये दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से। ठीक है, के बिड़ला फाउंडेशन, और साहित्य के क्षेत्र में बहुत काम करते हैं ये। और अगर इनके और दिए हुए कुछ और पुरस्कारों की बात करें तो एक पुरस्कार ये देते हैं, व्यास सम्मान। ठीक है, एक पुरस्कार देते हैं ये सरस्वती सम्मान। ठीक है, चलिए, और अगर 31st बिहारी पुरस्कार की बात करें, चलिए इसको यहां लिखते हैं, तो वो दिया गया है मधु कांकरिया जी को। और उनकी रचना कौन सी थी? उनकी रचना थी हम यहां थे। यहां को ध्यान रखना है, आगे भी आएगा अभी। चलिए, अब देखिए माधव हाटा जी के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो माधव हाटा जी की बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि बहुत मशहूर रही हैं। उनमें से एक है, यहां पे लिखते हैं, देहरी पर दीपक। जो हमारे रूरल बैकग्राउंड के दोस्त होंगे ना, वो देहरी को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए, देहरी पर दीपक। उसके बाद एक और उनकी है रचना जिसका नाम है सीढ़ियां चढ़ता मीडिया। मीडिया तो ऐसे भी बहुत सीढ़ियां चढ़ रहा है आजकल, और बहुत सारे उपनाम भी मीडिया को दिए जा रहे हैं। चलिए, आगे एक और पुस्तक है इनकी, साहित्य और संस्कृति। ठीक है, चलिए, और इनके अगर सम्मान की बात करें, माधव हाटा जी के सम्मान की बात करें, तो इनको भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान कहिए या पुरस्कार कह लीजिए, वो मिल चुका है इनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये दिया गया है गीतांजलि श्री जी को। ये है गीतांजलि श्री, और इनकी अगर रचना की बात करें तो इनकी रचना थी रेत समाधि। ठीक है, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो इनको मिला, तो इसी रेत समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई है उसकी टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से। ठीक है, ये है टॉम्ब ऑफ सैंड, और जो इनके अनुवादक थी वो थी डेजी रॉकवेल। ये हैं डेजी रॉकवेल। ठीक है, तो अब बात करें इंटरनेशनल बुकर प्राइज की, तो ये और जो एक अवार्ड और है, मान बुकर प्राइज, ये दोनों एक ही है? बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग हैं। अब कैसे अलग हैं ये हम देखते हैं।
जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है उसकी उसके एक तरह से कहिए तो दो शर्त है। पहला कि ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई हो, ठीक है, यानी इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई हो, और दूसरा कि ये पब्लिश हुई हो कहां पे, यूके या आयरलैंड, ठीक है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल है तो वो होगा, किसकी कैटेगरी होगी, वो होगी इंटरनेशनल बुकर प्राइज की। और मान बुकर प्राइज की बात करें तो उसमें ये नहीं है। और मान बुकर प्राइज हमारे देश के पहले भी और राइटर्स को मिला है, जैसे एक मिला है अरुंधति रॉय को, ठीक है, एक मिला है अरविंद अडिगा को। अरविंद अडिगा कौन सी पुस्तक थी, व्हाइट टाइगर, जिसपे की मूवी भी बनी है, ठीक है। तो और गीतांजलि सरी के डेब्यू नोवेल की बात करें तो वो थी माई साइलेंटली मदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक अवार्ड है सरस्वती सम्मान, अभी हमने बात की थी के बिरला फाउंडेशन की तरफ से, ये दिया गया है राम दरस मिश्रा जी को, और उनकी रचना है मैं तो यहां हूं। जो यहां थे वो थे कौन, मधु कंकरिया की रचना थी जिसके लिए उनको मिला था 31वां बिहारी सम्मान, और जो यहां है मैं तो यहां हूं उनको मिला है सरस्वती सम्मान। और इनकी बात करें रामदरस मिश्रा जी की तो ये कहां के हैं, ये हैं हमारे गोरखपुर के, ठीक है, गोरखपुर के हैं। गोरखपुर किसकी भूमि है, ये भूमि है हमारी योगी जी की, ठीक है, और आज हमारे वो यूपी के माननीय मुख्यमंत्री हैं। और रामदरस मिश्रा जी की बात करें तो 32 से ज्यादा कविताओं का संग्रह छप चुका है, इनकी 15 से ज्यादा नोवेल आ चुकी है, लघु कहानियों के 30 से ज्यादा संग्रह आ चुके हैं, और ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ये हिंदी के कंसल्टेटिव की तरह भी काम कर चुके हैं, और प्रोफेसर रहे हैं कहाँ के, तो ये रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। चलिए तो अब बहुत मतलब सादा जीवन टाइप का बात हो गई, अब हम थोड़ी इसमें कलर भरते हैं। अब आते हैं ब्यूटी सेक्शन की तरफ, आपको अब बिल्कुल इंटरेस्ट आएगा इसमें। जो पहला इसमें है वो है मिस दिवा यूनिवर्स, जो कि दिया गया है दिविता राय को। कहाँ की हैं ये हैं कर्नाटका की, और इनको क्राउन किसने पहनाया है, ये पहनाया है हर नाज संधू ने। कौन है ये हरनाज संधु, ये हैं मिस यूनिवर्स, कब कौन से ईयर की, 2021 की, ठीक है। अगला है मिस इंडिया यूएसए 2022, ये मिला है आर्या वाल्वेकर को, और कहां की हैं ये आर्या वाल्वेकर, ये हैं वर्जीनिया की। और ये जो कॉन्टेस्ट हुआ था ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ये कहां पे हुआ था, ये हुआ था न्यू जर्सी में, ठीक है। अगला देखते हैं, ये है फेमिना मिस इंडिया 2022, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022, ये दिया गया है सिनी सेट्टी को। कहां की हैं, ये भी कर्नाटका की, ठीक है। और इसमें रनर अप, दो रनर अप थे, एक राजस्थान की थी रूबल शेखावत, ठीक है, ये कहां की थी, ये थी राजस्थान की, और जो सेकंड रनर अप थी वो थी सीनाता चौहान, ठीक है, ये थी यूपी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अवार्ड है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है, ये दिया गया है किसे, पूर्णिमा देवी वर्मन को, ये है पूर्णिमा देवी वर्मन, और इनको दिया गया है इस बर्ड के कंजर्वेशन के लिए। और इस बर्ड का अगर नाम देखें तो ये है ग्रेटर एडजुटेंट
इस टॉर्क, ठीक है। और ये जो इन्होंने अपना कंजर्वेशन एफर्ट्स को मतलब कैंपेन अपना जो शुरुआत की थी वो की थी कहाँ से, ये किया था एक डिस्ट्रिक्ट है असम का, कामरूप, ठीक है। और वहीं से इन्होंने अपना कंजर्वेशन शुरू की थी। और इस बर्ड को अगर देखें तो जो वहां के लोकल लैंग्वेज में उसमें इसे कहा जाता है हर जिला, हर जिला। और इन्होंने अपना काम जो स्टार्ट किया था उसमें इन्होंने महिलाओं को जोड़ना शुरू किया, वुमेन एम्पावरमेंट, और सारे काम हो जाते हैं उससे बहुत आसान। तो इन्होंने महिलाओं को जोड़ना शुरू किया, लोगों को अवेयर करना शुरू किया, और धीरे धीरे करके इनका जो दल है वो एक आर्मी की तरह बन गया। और आज की डेट में देखें जो इनके हर जिला आर्मी है उसमें 10,000 से भी ज़्यादा महिलाएं स्वयं सेविका उनसे जुड़ी हुई हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ये गांव गांव में जाती हैं, लोगों को अवेयर करती हैं, और उनको ये कहती हैं कि ये जो बर्ड है ये किसी भी तरह से आपके लिए नुकसानदेह नहीं है और इनके हमें कंजर्वेशन करना है। और ये कैसे काम करती हैं, जो इनके घोंसले बनाने की जगह है, ठीक है, और जो बड़े पेड़ ऊंचे ऊंचाई वाले पेड़ों पे ये अपना घोंसला बनाते हैं, और अगर कोई पक्षी वहां से गिर वगैरह जाता है तो ये उनके घायलों का उपचार करती हैं। और यहाँ तक कि मतलब लोगों को और ज्यादा इंटरेक्ट करने के लिए जब न्यूबॉर्न आते हैं तो ये उनके बेबी सावर्स भी अरेंज करती है, ठीक है। और इनके कंजर्वेशन की बदौलत जो घोंसलों की संख्या जो उस समय लगभग 28 हुआ करती थी, और वो बढ़ के फिर हो गई है 250 तक हो गई है बढ़ के, ठीक है। और इनसे हमारा थोड़ा बिहार का, अगर इसके बिहार के कंसर्न में देखें तो बिहार में भी इसके कंजर्वेशन का काम चल रहा है। कैसे चल रहा है वो देखते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, अगर बिहार में देखें ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं कहाँ, कड़वा, कोसी, रिवराइन बेल्ट में पाया जाता है, ठीक है। और एक जमाने में बिल्कुल इसकी पॉपुलेशन बिल्कुल ना के बराबर थी, और वहां कंजर्वेशन इफर्ट की बदौलत ये आज 600 के आसपास पहुंच गई है। और इसका जो ये जो काम, इतना बड़ा मुहिम जो है उसका अगर क्रेडिट किसी को दिया जाता है तो वो दिया जाता है अरविंद मिश्रा को। कौन है ये अरविंद मिश्रा, ये हैं स्टेट को ऑर्डिनेटर, कहाँ पे, इंडियन बर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क में। और इन्होंने अपने काम में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है। इन्होंने क्या किया है, जीपीएस ट्रैकर का यूज किया है, ठीक है, जीपीएस ट्रैकर का यूज किया है। और जो इनकी जो इनका जो ब्रीडिंग होता है उसको ये ट्रैक करते हैं और उसका और अच्छे से ख्याल रख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड, ये दिया गया है हैदराबाद को, ठीक है। और अगर कैटेगरी की बात करें तो पहले तो ये देखते हैं कि ये अवार्ड देता कौन है, ये अवार्ड देता है, यहां लिखते हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टी कल्चरल प्रोड्यूसर्स, ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं इसका AIPH। और ये अवार्ड उन्होंने देना शुरू किया 6 कैटेगरीज में, ठीक है। और उन 6 कैटेगरीज में एक कैटेगरी थी लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, तो उस कैटेगरी में हमारे अपनी सिटी हैदराबाद को मिला है अवार्ड। और वहां पे एक अलग से एक और प्रोविजन था कि 6 कैटेगरी अलावा भी जो जूरी मेंबर होती थी उनसे पूछा जाता था कि आपको बताना है कि इनमें से भी अगर सबसे बेस्ट का अवार्ड है वो किसको दिया जाएगा, तो वो था ग्रैंड
विनर अवार्ड, ये भी मिला था हमारे सिटी ऑफ हैदराबाद को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है फ्रांस का टॉप सिविलियन ऑनर मिला है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये मिला है स्वाति पीरामल जी को। ठीक है, स्वाति पीरामल हैं कौन? ये हैं स्वाति पीरामल, ये साइंटिस्ट रही हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट वीमेन इलेक्टेड प्रेसिडेंट रही हैं, कहाँ की? ये रही हैं एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। सोचिए 90 साल के इसके इतिहास में, एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इतिहास में ये पहली वीमेन इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुई थी। और इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइजरी काउंसिल है, ट्रेड एडवाइजरी काउंसिल, उसमें भी इन्होंने काम किया है, और जो प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल है इसमें भी इन्होंने काम किया है, और इन्हीं सब के इनके योगदानों की वजह से इनको 2012 में क्या दिया गया था, 2012 में दिया गया था इनको पद्म श्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला अवार्ड हम देखने जा रहे हैं वह है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ये दिया जाता है जापान सरकार की तरफ से, और ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है नारायणन कुमार को, जो कि वाइस चेयरमैन है कहाँ के? सनमार ग्रुप के। और इनको दिया क्यों गया है? तो ये इनको इसलिए दिया गया है कि भारत और जापान के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उनको और अधिक मजबूती देने के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, और ये और भी पोस्ट को बेयर करते हैं, एक पोस्ट पे हैं ये चेयरमैन है किसके, तो इंडो जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एक तो इसके चेयरमैन है, और एक ये चेयरमैन रहे हैं, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं किसके, कन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके ये चेयरमैन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पारा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, जो किसको दिया गया है? ये दिया गया है अवनी लेखरा को, और अवनी लेखरा कौन है? ये है अवनी लेखरा, कहाँ की हैं? ये हैं राजस्थान के जयपुर की। और क्यों चर्चा में रही हैं? ये इसलिए भी चर्चा में रही हैं क्योंकि ये ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक होता है उसमें दो इवेंट, एक इवेंट है जिसको कि कहते हैं R2, जिसमें 10 मीटर एयर राइफल, ठीक है, R2 इवेंट है, और दूसरा एक इवेंट है R8 जो कि था 50 मीटर यही एयर राइफल। तो 10 मीटर वाले में इनको मिला था गोल्ड, और अगर 50 मीटर वाले की बात करें तो इसमें इन्हें मिला था ब्रोंज, और ये पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी थी। ठीक है, और अभी चर्चा में इसलिए भी रही हैं कि जो राजस्थान सरकार है उनकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की ये ब्रांड एम्बेसडर रही हैं। ठीक है, उसके बाद इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, और ये थर्ड इंडियन वीमेन है पैरालंपिक गेम्स में मेडल जीतने वाली। तो थर्ड है, तो पहली दो कौन है? तो एक है हमारी दीपा मलिक,
और दीपा मलिक के बाद जीती कौन थी आपको ध्यान होगा, वो है भाविना पटेल, ठीक है। और दीपा मलिक किसमें जीती थी, ये जीती थी शॉर्ट पुट में, और भाविना पटेल किस में है, ये है टेबल टेनिस, ठीक है। चलिए ये इतनी बातें हो गई अब नील लखरा जी के बारे में। अब हम दूसरा जो दूसरी जो तस्वीर है वो है भारत के सबसे मशहूर कह सकते हैं पैरा एथलीट, जिनका नाम है देवेंद्र झाझरिया, और ये पहले पैरा एथलीट हुए हैं जिनको क्या दिया गया है, जिनको दिया गया है पद्म भूषण। ठीक है, पहले पैरा एथलीट हुए हैं और ये दो टाइम पैरालंपिक गोल्ड जीत चुके हैं। ये कौन कौन से टाइम, एथेंस का 2004 वाला ओलंपिक, दूसरा ये जीते थे रियो 2016, और जो अभी हाल में जो टोक्यो वाला हुआ था 2020 वाला, उसमें इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। और आपको लगता होगा कि 2004 और 2016 के बीच में क्या कर रहे थे, और 2004 और 2016 के बीच में जो दो ओलंपिक गुजरे 2008 बीजिंग और 2012 लंदन वाला, उसमें जो ये इवेंट है इनका F46 जेवलिन, वो इवेंट उसमें शामिल ही नहीं था, ठीक है। 2004 में इनको मौका मिला कम्पीट करने का, उसके बाद 12 साल के गैप के बाद इन्हें 2016 में मिला, और जिसमें इन्होंने हमें निराश नहीं किया और वहां पे वो गोल्ड लेकर आए। और ये पहले इंडियन हैं जो कि दो गोल्ड मेडल लाए हैं पैरालंपिक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है शरत कमल अचंत को, ये टेबल टेनिस के सुपरस्टार हैं भारत के, ठीक है। इनके अकाउंट में कहिए तो 7 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड है, 2 एशियन गेम्स का मेडल है, 4 ओलंपिक गेम्स में ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं, 2 ITTF प्रो टूर टाइटल्स हैं इनके अंदर में, और अगर ये देखें ये कहाँ के हैं तो ये हैं चेन्नई के। और अभी हाल में जो ओलंपिक कह रहे हैं सॉरी अभी हाल में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था जिसमें कि भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा पदक लेकर आए थे ये, और कितने पदक लाए थे, ये लाए थे 3 गोल्ड लाए थे और 1 ये लेकर आए थे सिल्वर। और जो हमारा जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी उसमें भी ये हमारे फ्लैग बेयर थे। अच्छा, क्लोजिंग सेरेमनी में एक और इनके साथ थे फ्लैग बेयर, वो कौन थे, वो थी निखत जरीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला अवार्ड है चेंज मेकर अवार्ड, ये दिया गया है सृष्टि बक्सी जी को, अच्छा सृष्टि बख्शी जी से पहले एक और अवार्ड हम डिस्कस कर लेते हैं, स्पोर्ट्स के फ्लो में है तो एक स्पोर्ट वाला अवार्ड भी डील कर लेते हैं। तो जो इस बार का जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी हुआ है उसमें एक कमाल का जो अवार्ड है वो दिया गया है जर्लीन एनिका को। आप पूछेंगे ये कौन है, ये इन्हें मिला है अर्जुन अवार्ड। अभी भी आप सोच रहे होंगे कि ये हैं कौन, तो ये भारत की पहली वीमन डेफ ओलंपियन हैं जिनको कि अर्जुन अवार्ड मिला है, ठीक है। और इन्होंने ये किस खेल को रिप्रेजेंट करती हैं, ये करती हैं बैडमिंटन को, ठीक है। अभी जो 2021 का जो समर डेफ ओलंपियन था वहां भी इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में 3 गोल्ड्स लिए थे, ठीक है। तो ये है जर्लिन एनिका के बाद। अब हम आते हैं फिर से सृष्टि बक्सी जी के बाद पे, तो इनको कौन सा अवार्ड मिला है सृष्टि बक्सी जी को, UNSDG एक्शन अवार्ड मिला है, जो कि कहां पे हुआ था, ये हुआ था बॉन जर्मनी के अंदर। ये कौन है, ये वीमेन राइट एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने 3,800 किलोमीटर की पदयात्रा की थी जो कि गुजरी थी भारत के 12 राज्यों से,
और इन्होंने अपनी जर्नी जो स्टार्ट की थी वो की थी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि ये किस फील्ड से में काम करती हैं, किस मुहिम से जुड़ी हैं। तो ये जुड़ी हैं वायलेंस अगेंस्ट वीमन, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। तो इस मुहिम को लेकर ये चली और 3,800 किलोमीटर की पदयात्रा की जो कि भारत के 12 राज्यों से गुजरी, और इस दौरान उन्होंने 100 से ज्यादा वर्कशॉप्स किए। किसके लिए? तो महिलाओं की सेफ्टी और उनके डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए अवेयरनेस कैंपेन इन्होंने चलाया। और इनकी जो जर्नी गुजरी इतनी जबरदस्त, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी और वो डॉक्यूमेंट्री है WOMB, वीमन ऑफ माई बिलियन। और इस डॉक्यूमेंट्री को 10 से ज्यादा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसको दिखाया जा चुका है। अब अगर इतनी बातें हुई हैं तो ये जो SDG की बात करें, UNSDG जो जिस अवार्ड मिला है, तो ये इनका कैंपेन 2 SDG को कवर करता है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं इसमें 2 को एड्रेस करता है। एक ये तो SDG 5 है, ये SDG 5 किसके लिए है? ये है जेंडर इक्वालिटी के लिए, ठीक है। और एक करती हैं ये SDG 10 को रिप्रेजेंट, इनका जो कैंपेन है वो। तो SDG 10 की बात करें तो वो क्या है? वो है रिड्यूस्ड इन इक्वालिटीज, ठीक है। तो ये 2 SDG को कवर करती हैं इनके कैंपेन में। चलिए आगे देखते हैं, अगला अवार्ड है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, जो कि मिला है सुएला ब्रेवर मैन को। ये भारतीय मूल की हैं। और थोड़ा पहले क्वीन एलिजाबेथ की बात कर लें तो ये अभी इनका हाल में निधन हो गया था, 96 ईयर की थी वो, और इनका निधन हो गया था September 8 को। और ये जो हमारी क्वीन थी, ये भारत की आज़ादी के बाद क्वीन बनने वाली ये पहली थी, ठीक है, फर्स्ट ब्रिटिश मोनार्क, ठीक है, ये इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि ये क्राउन पे आई थी कब? 1952 में। और इन्होंने 15 PM के कार्यकाल देखे, और इस 15 PM में पहले कौन थे? पहले थे चर्चिल, और लास्ट कौन थी? लास्ट थी लिज ट्रस, ठीक है। और अगर इंडिया से इनका रिलेशन देखें क्वीन का, तो ये 3 बार इंडिया टूर पे आई थी, एक 1961, 1983 और 1997, ठीक है। और ये जो सुएला ब्रेवरमैन है, तो सुएला ब्रेवरमैन को जो PM थी लिज ट्रस, उस समय लिज ट्रस थी, और इनको उन्होंने बनाया था क्या, यहां लिखते हैं सेक्रेटरी फॉर द होम डिपार्टमेंट, ठीक है, सेक्रेटरी फॉर द होम डिपार्टमेंट, ये इनको अपॉइंट किया गया था। उसके बाद फिर ये अटॉर्नी जनरल भी रही हैं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल भी रही हैं, और ये सर्व्ड एज पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एट द डिपार्टमेंट फॉर एग्जिटिंग द यूरोपियन यूनियन, उसमें भी इन्होंने काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2022 पुलिट्जर प्राइजेस, इसमें इस बार के जो लिस्ट है उसमें 4 इंडियंस हैं, अदनान अबीदी, इरशाद मट्टू, अमित दबे, और ये जो दानिश सिद्दीकी हैं इनको ये अवार्ड दिया गया है मरणोपरांत, ठीक है। और ये बहुत ब्रेव थे पत्रकार, और इन्होंने अपना जो कार्य था इनका, जिसके दौरान इनकी मृत्यु हुई थी, वो था जब तालिबान ने अफगानिस्तान का टेक ओवर कर लिया था, उसी को कवर करने के दौरान
इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे आते हैं। अब एक अवार्ड है बोल्ट्जमैन मेडल 2022 दीपक धर को मिला है। ये हैं दीपक धर और ये फर्स्ट इंडियन हुए हैं जिनको कि ये बोल्ट्जमैन मेडल दिया गया है। अब बोल्ट्जमैन मेडल की बात करें तो जो इनका रिसर्च है दीपक धर का, वो रिसर्च है इनका स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पे। और जो इनको 2022 के लिए जो मेडल दिया गया है वो शेयर करेंगे किसके साथ, ये शेयर करेंगे जॉन जे हॉपफील्ड के साथ ये शेयर करेंगे। और ये हॉपफील्ड की बात करें तो ये किससे एसोसिएटेड हैं, ये हैं न्यूरल नेटवर्क। तो इनका जो रिसर्च है हॉपफील्ड का वो न्यूरल नेटवर्क पे है। और दीपक धर की बात करें तो ये जो अवार्ड है ये दिया जाएगा 2023 में, ये सेरेमनी होगी कहाँ पे, ये होगी टोक्यो में। और अगर पूछा जाए कि ये अवार्ड देता कौन है, तो ये अवार्ड देता है द कमीशन ऑन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड फिजिक्स, ठीक है, IUPAP, ठीक है। और ये मेडल जो दिया जाता है बोल्ट्जमैन मेडल, ये वंस इन 3 ईयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अवार्ड है नेताजी अवार्ड, जो कि दिया गया है शिंजो आबे जी को। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, सॉरी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कहाँ के, ये रहे हैं जापान के। और इनकी जो ये अवार्ड दिया जाता है नेताजी अवार्ड, ये दिया जाता है नेताजी रिसर्च ब्यूरो की तरफ से, ठीक है। और अगर शिंजो आबे के बारे में थोड़ी सी बातें कर लें तो शिंजो आबे की जो हत्या हुई थी वो हुई थी 8 जुलाई 2022 को। कहाँ पे, तो ये हुई थी नारा शहर में। और इनको जो इनका हत्यारा था वो कौन था, वो था टेट सुया यामा गामी। और इनके सम्मान में, ये भारत के बहुत अच्छे मित्र थे, तो इनके सम्मान में 9 जुलाई को वन डे स्टेट मॉर्निंग रखा गया था, एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया था। और ये जो इनकी इकोनॉमिक थ्योरी है उसको इन्हीं के नाम पे कहा जाता है एबेनोमिक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अवार्ड है 68th नेशनल फिल्म अवार्ड, और ये दिया गया है, अगर बेस्ट फीचर फिल्म की बात करें तो सूरा राई पोट्टरू। और उसी के लिए सूर्या हैं ये, जिनको कि बेस्ट एक्टर, ये अपर्णा बाला मुरली हैं जिनको कि बेस्ट एक्ट्रेस मिला है सूरा राई पोट्टरू के लिए। और जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो इन्होंने अजय देवगन के साथ शेयर किया है। और अजय देवगन को किसके लिए मिला है, तो वो मिला है तान्हाजी के लिए, ठीक है। और बेस्ट डायरेक्टर मिला है इनको, ये हैं सच्चिदानंद, KR सच्चिदानंद। और जो इनकी मूवी थी वो थी अयप्पनम कोशियम, ठीक है। चलिए एक अवार्ड है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर न्यू यॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल 2022। ये RRR के लिए मिला है किनको, राजामौली को। और राजामौली किस लिए मशहूर है, बाहुबली के लिए, ठीक है। चलिए अगला है 52वां दादा साहब फाल्के, ये दिया गया है किसे, आशा पारिक जी को।
ठीक है, अब देखते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड। इसमें बेस्ट फिल्म की बात करें ड्रामा कैटेगरी में, तो वो मिला है द फैबल्स मैन को। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर की बात करें स्टीवन स्पीलबर्ग मिला है, और यही द फैबल मैंस के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा कैटेगरी की बात करें तो केट ब्लैंकेट को मिला है टार के लिए, और बेस्ट एक्टर इन ड्रामा कैटेगरी की बात करें ऑस्टिन बटलर, इनको कौन सी मूवी के लिए मिला है, एल्विस के लिए। अब आते हैं बड़ी मजेदार बात पे, जो कि एक तरह से हमारे लिए बहुत गर्व की भी बात है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है नाटू नाटू को। बहुत डांस किया होगा आपने नाटू नाटू, और नाटू तो ऐसा है जो आजकल तो बस हर जगह या तो नाटू नाटू सुनाई देता है या तो फिर नाटो नाटो सुनाई देता है। तो नाटो की बात करें तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ये है ब्रसेल्स बेल्जियम में। और इसके कितने मेंबर हैं टोटल, अभी 30 मेंबर है। हेड कौन है, जेंस स्टोल टेन बर्ग। ठीक है, और अभी दो कंट्री ऐसी हैं जो जिन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया है नाटो में एंट्री कर लिए, वो दो कौन सी कंट्री है, फिनलैंड और स्वीडन। और अभी नाटो की वजह से ही एक तरह से कहिए तो यूक्रेन वाला जो वॉर चल रहा है रसिया यूक्रेन का, वो इसीलिए चल रहा है कि यूक्रेन चाहता है नाटो में जाना और रसिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन नहीं करे, क्योंकि रसिया नहीं चाहता कि हमारी बाउंड्री पे नाटो की फोर्सेस आके तैयार हो जाए। और ये जो सॉन्ग है नाटू नाटू, इसकी बात करें तो ये सॉन्ग कंपोज किया हुआ है एम एम कीरा वानी की तरफ से। ठीक है, और अगर इसमें गाया किसने है तो कला भैरवा राहुल सिपली गंज और एमएम कीरावानी की तरह इसको गाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अवार्ड है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। ये पंचायती राज मिनिस्ट्री को मिला दिया गया है, और वो इन्होंने गोल्ड जीता है ई गवर्नेंस कैटेगरी में। पंचायती राज मिनिस्टर कौन है, वही है हमारे गिरिराज सिंह। ठीक है, जो हमेशा पाकिस्तान का वीजा बांटते रहते हैं। और इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने बहुत मशहूर हस्ती हैं उनको हराया है। वो कौन है मशहूर हस्ती, वो है कन्हैया कुमार। कौन है कन्हैया कुमार, ये हैं ब्रांड अम्बेसडर। किसके ब्रांड अम्बेसडर हैं, वही लेके रहेंगे आजादी ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी बिहार से तिहाड़। ठीक है, चलिए गिरिराज सिंह की बात करें तो ये कहां से जीतते हैं, ये इस बार जीते हैं बेगूसराय से। ठीक है, वैसे ये जीतते थे कहां से, नवादा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसका नाम है, ठीक है, और ये दिया गया है दलाई लामा जी को। अब कुछ ब्रांड एम्बेसडर हम लोग देखते हुए चलते हैं। एक है शेफाली वर्मा, और शेफाली वर्मा अभी बहुत मशहूर हुई हैं। क्यों बहुत मशहूर हुई हैं, क्योंकि ये कैप्टन थी। किसकी कैप्टन थी, ये अभी हाल में हुआ था इनॉगरल वीमेन T20 Under-19 वर्ल्ड कप। तो जो हमारी इंडियन वीमेन टीम थी Under-19 वर्ल्ड कप की, उसकी ये कैप्टन थी शेफाली वर्मा, और हमने फाइनल्स में हराया किसे, इंग्लैंड को। ठीक है, तो ये कैप्टन शेफाली वर्मा रही हैं, और इन्होंने 16 इयर्स के एज में ही एंट्री किए थे। चलिए, और ये भारत की तरफ से यंगेस्ट हुई हैं T20 में एंट्री करने वाली।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कहाँ, किसकी बनी है ब्रांड एम्बेसडर? ये बनी है बैंक ऑफ बड़ौदा की। अब आते हैं वंदना कटारिया पे, ये इंडियन हॉकी प्लेयर रही हैं, और ये कहाँ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो वीमेन एम्पावरमेंट एंड वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। कौन है वंदना कटारिया? ये वंदना कटारिया हैं, इन्होंने 2013 के वीमेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप में इन्होंने 5 गोल्स किए थे, ठीक है। उसके बाद जो 2022 वाला जो टोक्यो ओलंपिक था, उसमें ये फर्स्ट इंडियन वीमेन बनी थी जिन्होंने ओलंपिक के हैट्रिक लिया था, ओलंपिक में हैट्रिक गोल्ड किया था इन्होंने, मतलब गोल किया था। चलिए, तो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। और वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है? वो है पुष्कर सिंह धामी। अगला बात कर रहे हैं पीआर श्रीजेश की। तो पीआर श्रीजेश क्या है? ये हॉकी के गोलकीपर थे, जो हमारी टीम अभी ओलंपिक में जो 41 ईयर्स के बाद जो हम ब्रोंज लेकर आए हैं, उस टीम के ये मेंबर थे और वहां ये गोलकीपर थे, ठीक है। इनको वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का भी नॉमिनेशन मिला था, और जो हम वहां पे ब्रोंज जो जीते थे, तो थर्ड प्लेस के लिए जो प्लेऑफ्स होते हैं उसमें हमने किसे हराया था? हमने हराया था जर्मनी को, ठीक है। और इनको किसका बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर? एडवेंचर टूरिज्म ऑफ केरला का बनाया गया है, ठीक है। तो केरला के सीएम कौन है अभी? वो है पिनाराई विजयन। और गवर्नर कौन है वहां के? वो है मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान। चलिए, ये वही आरिफ मोहम्मद खान है जिन्होंने एक जमाने में वंदे मातरम का अनुवाद किया था, तस्लीमात मा तस्लीमात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो ये हॉकी टीम थी उसके कैप्टन कौन थे? जो हमने वहां पे ब्रॉन्ज लिया था, तो कैप्टन थे मन प्रीत सिंह। चलिए, नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और कितने ये भाला फेंक से हैं, जेवलिन से हैं, और स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने कितना का रिकॉर्ड बनाया था? 87.58 मीटर इन्होंने फेंका था। और ये देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बने थे जिन्होंने कि ओलंपिक में जाके स्वर्ण पदक जीता था। और अगर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने की बात करें तो ये हुए हैं दूसरे भारतीय। तो पहले भारतीय कौन थे? तो ये पहले भारतीय थे अभिनव बिंद्रा, जो किससे थे? वो थे शूटिंग से, ठीक है। तो इनको किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया है गुड डॉट का। ये एक कंपनी है जो कि क्या काम करती है, वो लेकर आए हैं प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है लवलीना बोरगोहन। ये कौन है? ये बॉक्सर हैं, और ये कहाँ की हैं? ये हैं गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट असम की, ठीक है। और ये जो 2020 वाला टोक्यो ओलंपिक था वहां पर ये कौन से कैटेगरी में, 64 to 69 kg कैटेगरी में ये ब्रोंज लेकर आई थी, ठीक है। और अभी हाल में एक टूर्नामेंट हुआ है एशियन गेम्स, ठीक है। कहां पे हुआ है? ये हुआ है आपको अम्माम जॉर्डन में, उसमें ये लेकर आई हैं गोल्ड। और ये टूर्नामेंट क्यों मशहूर हुआ इनके लिए, ये इसलिए भी इनके लिए जानना, हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने अब अपना कैटेगरी जो है वो चेंज कर लिया है। वो अब चली आई है 75 kg कैटेगरी में, और ये 75 kg कैटेगरी में ये इनका पहला टूर्नामेंट था ये एशियन गेम्स, जिसमें कि ये गोल्ड लेकर आई। और ये हमें इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि जो अगला ओलंपिक होगा उसमें बहुत उम्मीद है कि ये कैटेगरी रहे ही ना,
तो इन्होंने अपने मेडल के पॉसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना कैटेगरी चेंज किया है, अब वो आ गई हैं 75 kg कैटेगरी में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम अपने गौरव, हमारे बिहार की जो गौरव है, आन बान शान है, उस मिथिला ठाकुर की बात करते हैं। बहुत मशहूर फोक सिंगर रही हैं, मैथिली में गाती हैं, भोजपुरी में गाती हैं, और ये जो सिंगिंग कॉन्टेस्ट है उसमें भी पार्ट ले चुकी हैं। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसका? खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड का। ठीक है, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का। और अभी अभी हाल में इन्होंने एक और अवार्ड भी जीता था, वो था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। ठीक है, मिला था इनको, और इनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2024 के लिए वोटर्स को अवेयर करने का कैंपेनर भी बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंगना रनौत की बात करते हैं, तो इनको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो ये किसके द्वारा चालू किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा 2018 में चालू किया गया था। और यूपी की बात करें तो यूपी में 75 जिले हैं, और उनके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले कैंपेन के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला जो ब्रांड एम्बेसडर हम देख रहे हैं वो है कुलदीप हंडू को, और ये फॉर्मर वुशु प्लेयर हैं, इनको फिट इंडिया मूवमेंट का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये श्रीनगर से हैं, और ये पहले द्रोणाचार्य अवार्ड विनर हैं, कहाँ से? जम्मू और कश्मीर से। इन्होंने 11 गोल्ड मेडल लिए हैं नेशनल, 6 गोल्ड मेडल लिए इंटरनेशनल में, और ये भारत के वुशु कोच हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा लास्ट है, वो है नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी किसके एम्बेसडर हैं? खादी प्राकृतिक पेंट के। और ये किससे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है काऊ डंग से। ठीक है, और जो खादी प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया गया था वो किया गया था 12 जनवरी 2021 को। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।